press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी शो में मोबाइल जिसके अंदर MIUI 11 अपडेटेड है उसके अंदर ऐप ड्रॉअर इनेबल कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे सिस्टम ऐप्स अपडेटर इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अगर आपको यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है तो आपको सिंपली सिस्टम लॉन्चर को अपडेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है। और नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको होम स्क्रीन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जाने के बाद आपको दूसरे नंबर पर होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रेगुलर मोड मिल जाता है। तो आपको नीचे की तरफ से विद ऐप ड्रॉअर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ से ओके कर देना है। इसके बाद आपके होम स्क्रीन पर ऐप ड्रॉअर इनेबल हो जाएगा। अगर आप तीसरे नंबर पे ऐप ड्रॉअर वाली सेटिंग को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप डार्क मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे की तरफ से आप इसकी ओपेसिटी को लो और हाई भी कर सकते हैं। तो आपको नीचे की तरफ से अप्लाई करना है, जिसके बाद आपके होम स्क्रीन पर ऐप ड्रॉअर इनेबल हो जाएगा। तो जैसा कि स्वाइप अप करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे ऐप ड्रॉअर मिल चुका है और आप यहां से किसी भी एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप अपने ऐप ड्रॉअर पर साइड में स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से भी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर ऐप्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली किसी भी एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करना है और इसके बाद आप उस एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने किसी भी शो में मोबाइल जिसके अंदर MIUI 11 अपडेटेड है उसके अंदर ऐप ड्रॉअर को इनेबल कर सकते हैं।